What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 25th November 2019 मंडे है, सुबह के 8:14 हो रहे हैं। पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। लास्ट वीक हमने देखा कि जो साइडवेज पैटर्न है वो कंटिन्यू निफ्टी इंडेक्स में लगातार तीसरे वीक हमें देखने को मिला। तो अभी जो महाराष्ट्र की एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो भी चल रहा है उसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। किसकी गवर्नमेंट बनती है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो ओवरऑल इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसमें से बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र से आता है। तो जो सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट है उसी का गवर्नमेंट अगर स्टेट में भी आता है तो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो स्पीड पकड़ लेता है। तो काफ़ी इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि जो मार्केट है वो किस तरह से बिहेव करता है किसी भी गवर्नमेंट अगर फॉर्मेशन होती है तो। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में भी देखें तो यूएस और चाइना के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है इसके बारे में अभी तक कोई पॉजिटिव खबरें आती हुई नहीं दिखाई दे रहे, थोड़ा डिले हो रहा है, इसके वजह से ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो फ्राइडे के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे। तो ये एक पिक्चर है 22nd November आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर या आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 11,984 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 11,956। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी जैसे ही ओपन हुआ तो हमारा यहाँ पर ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,940 ये यहाँ पर अचीव्ड हुआ। कुछ देर यहाँ पॉज लिया, उसके बाद सेकेंड टारगेट भी एग्जैक्ट 11,917 ये अचीव्ड हुआ। यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करके एक छोटा बाउंस बैक देखा और फिर जब साउथ की तरफ ये बढ़ा तो फिर से इसने सेकेंड टारगेट को भी ब्रेक करते हुए और टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ और जो क्लोज हुआ वो एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट के यहाँ पर ये क्लोज हुआ। तो काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए फ्राइडे के लेवल्स। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 26 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 19,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात भी देख लेते हैं। फ्राइडे को अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नाजदाक हरे निशान में बंद हुए थे। यूरोपियन मार्केट भी देखे तो वहाँ पर भी तेजी दिखाई दी और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो यहाँ पर भी इस वक्त तीनों भी इंडेक्स चाइना मार्केट, जापानीज मार्केट और हांगकांग मार्केट हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर इस समय 79 पॉइंट के बढ़त दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी 20 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल थोड़े पॉजिटिव संकेत हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट, लास्ट थ्री वीक्स हम यहाँ पर देख रहे कंटिन्यू दोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, यानी इनडिसिजिव पैटर्न है। ना बुल्स जीत पा रहे ना बेयर्स जीत पा रहे। ये जो नवंबर के फर्स्ट वीक का कैंडल है इसका ये हाई है और इसका ये लो, इसी के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। इस कैंडल का हाई और लो जो है इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है ना ही इसके नीचे ये क्लोज दे पा रहा है, यानी यहाँ पर ना तो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा है ना ही लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है, जो कि हमें डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड का सिग्नल होता है एज पर प्राइस एक्शन। तो यहाँ पर क्लियरली साइडवेज पैटर्न है, हम निफ्टी इंडेक्स में भी देख रहे हैं। ओपन होने के बाद एक साइडवेज जोन में चला जाता है, अपवर्ड टू साइडवेज और डाउनवर्ड टू साइडवेज, ऐसे एक जोन में ट्रेड कर रहा है। तो इसके लिए ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, क्या ये जो गवर्नमेंट बन रहा है, अगर ये गवर्नमेंट किसी का फॉर्म होता है तो ये इसका ट्रिगर पॉइंट होगा, या फिर दिसंबर में जो आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी आ रही है इसके बाद ये हमें वन डायरेक्शनल मूव दिखाएगा। तो वेट एंड वॉच का सिचुएशन है एज पर वीकली चार्ट। अगर आपको ओवरनाइट पोजीशन लॉन्ग करना है तो वेट एंड वॉच का यहाँ पर सिचुएशन बना हुआ है। तो इसके एज पर वीकली चार्ट 11,870 ये सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है और ऊपर में 12,030 के पास हम रेजिस्टेंस को फेस कर रहे हैं। हमने कई बार देखा पास्ट में भी 12,000 के ऊपर काफ़ी पेनेट्रेट करता है और वीकली चार्ट में अभी तक 12,000 के ऊपर निफ्टी इंडेक्स क्लोज नहीं हुआ है। तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो, अभी फिलहाल इनडिसिजिव पैटर्न है। चलते हैं डेली चार्ट में, ये है निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट। यहाँ पर फिर से एक बार
इवनिंग स्टार डोजी कैंडलस्टिक बना है, उसके बाद हमें कंफर्मेशन भी मिला है, लगातार दो दिन यहाँ पर बियरिश कैंडलस्टिक बना हुआ है। तो अभी यहाँ पर एक पैटर्न बन सकता है जिसका नाम है डबल टॉप फॉर्मेशन। ये देखिए ऐसे ये बन सकता है, प्रोबेबिलिटी है, अभी तक बना नहीं है। ये फर्स्ट टॉप था, ये सेकेंड टॉप, और फिर से ये अभी साउथ की तरफ मूव हो रहा है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है डबल टॉप फॉर्मेशन बन सकता है, ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है। इस सेकेंड ये 20 EMA का, ये जो 20 EMA है इसका सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक हो सकता है। तो अगर ये क्लियर यहाँ से 20 EMA का सपोर्ट लेके बाउंस बैक होता है तो ये पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा। अगर ये 20 EMA को भी ब्रेक करता है और फिर ये जो इसका ये नेक लाइन क्रिएट होगा जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो ये अगर नेक लाइन ब्रेक होता है तो हमें निफ्टी इंडेक्स में फिर से एक बार गिरावट, एक बड़ा करेक्शन आते हुए दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। अगर दूसरा एंगल देखे RSI के साथ प्राइस एक्शन को कंपेयर करें, मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ प्राइस एक्शन को। तो यहाँ पर देखिए ये जो है RSI यहाँ पर लोअर हाइज क्रिएट कर रहा है और अभी भी प्राइस एक्शन में यहाँ पर सिमिलर हाइज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियरली निगेटिव डाइवर्जन है। तो एज पर RSI हमें यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है कि बुल्स यहाँ पर स्ट्रेंथ अपनी खो रहे हैं, लेकिन प्राइस एक्शन में अभी तक पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है डबल टॉप का। तो यहाँ पर RSI ने हमें फिर सिर्फ अलर्ट किया है, कंफर्मेशन नहीं है। अगर 20 EMA को ब्रेक करता है तो ही ये करेक्शन जो है वो और हमें निफ्टी इंडेक्स में गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, एनालिसिस कर रहे हैं हम, ऐसा होगा ये कहा नहीं जा सकता। सो वेट एंड वॉच का सिचुएशन है अभी तो फिलहाल। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी आप देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स फिर से एक बार मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। लास्ट फ्राइडे यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करके इसने फिर से थोड़े सा ऊपर आने की कोशिश की है। तो अभी अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो यहाँ पर अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर एक स्विंग लो हमें दिखाई देगा जो कि अराउंड 11,900 के पास है। तो अगर ये 11,899 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये 100 EMA का ग्रे लाइन जो कि अराउंड 11,886 के पास है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पर 11,872, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर मूव करता है तो काफ़ी रेजिस्टेंस के पॉइंट्स है। पहले तो पिवट पॉइंट का रेजिस्टेंस का पॉइंट है, फिर 50 EMA है, फिर 20 EMA है। तो इन सब हर्डल्स को अगर कम्प्लीटली ये ब्रेक करता है, इनके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बनाएंगे। यानी ऑलमोस्ट 11,944 के ऊपर ये जो बियरिश कैंडलस्टिक है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 944 के ऊपर तो ये इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बनाएंगे और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो कि 11,960 है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,972, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।